बनाने जा रहे हैं मायो चिकन पॉप्सिकल। इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, मैंने आधा किलो कीमा लिया है, चिकन का कीमा है, 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 कप ब्रेड क्रम्स है, 1/2 कप मायोनीज है और इसके लिए मुझे चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बॉल में कीमा डालूंगी। इसके साथ ही नमक जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ब्रेड क्रम्स और मायोनीज। इन सबको हम डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसके गोल गोल कोफ्ते बनाएंगे। इस तरह से हम इसके कोफ्ते बनाएंगे और इसके अंदर हम एक स्टिक आइसक्रीम स्टिक जो है वो डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा चिपटा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम अपनी सारी स्टिक्स जो है वो तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारे सारे मायो चिकन पॉप्सिकल्स जो है वो रेडी हो गए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए हम एक बॉल लेंगे और उसमें हम 2 अदद अंडे फेंट लेंगे। अब हम पहले पॉप्सिकल को अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरह से, और इसी तरह हम अपनी सारी पॉप्सिकल्स रेडी कर लेते हैं और बाद में हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने पॉप्सिकल्स के ऊपर अंडा भी लगा लिया है और ब्रेड क्रम्स भी लगा लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हमने एक पैन लिया है और उसमें हमने ऑयल डाला है डीप फ्राई करने के लिए, और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने ऑयल को गर्म करना है और इसके अंदर हम अपनी पॉप्सिकल्स डालेंगे और इसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। जब एक साइड से पक जाए तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और आंच आपने हल्की रखनी है। साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, ये बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसको आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे फ्राई करना है ताकि अंदर से जो चिकन का कीमा है वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए, हमारे मायो चिकन पॉप्सिकल्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इनका कलर भी बहुत प्यारा आया है और इनकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। इसके बाद हम अपने बाकी के जो पॉप्सिकल्स हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। लीजिए, हमारे चिकन मायो पॉप्सिकल्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।